हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब। सो टुडेज टॉपिक इज फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड द टॉपिक इज लैग्रेंज थ्योरम। सो हियर क्वेश्चन इज गिवन, द टेम्परेचर टी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस इज टी इक्वल टू 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर। देन फाइंड द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ द यूनिट स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, जस्ट राइट अ सॉल्यूशन। लेट मी पुट अ स्ट्रेट लाइन हियर सो दैट आई डोंट हैव टू गो थ्रू टू द सेकेंड पेज। तो यहाँ पास पहले टी लिखिए जो हमें गिवन है। टी क्या दिया हुआ है हमें, 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ पास लिख दीजिएगा 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड नेम इट मैक्सिमम। एंड द सेकेंड थिंग विच इज गिवन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड पुट इट इक्वेशन 1 एंड राइट इन ब्रैकेट गिवन। ऑलराइट, फिर यहाँ पास लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज थ्योरम। नाउ अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज थ्योरम वी हैव टू पार्शियली डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन एंड लेट सी वॉट हैपन। सो द इक्वेशन विल बी लाइक दिस अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज थ्योरम, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, देर विल बी द फर्स्ट थिंग विच इज टी गिवन मैक्सिमम एंड देन लैम्डा एंड द गिवन पॉइंट विच इज इक्वेशन वन हियर। सो वॉट विल बी द फर्स्ट टी थिंग दैट इज मैक्सिमम, 400 एक्स वाई जेड। This formula you have to learn this formula according to Lagrange theorem, that the formula what is according to Lagrange theorem, and just put the value which is given in a question. So here will be x square plus y square plus z square plus 1, sorry minus 1. This equal to 1 is there, so if you shift that 1 in the left hand side then it will become minus 1. Alright, so the equation will become like this. Ab isko partially differentiate karenge, to df by dx karenge agar is equation ka. इस इक्वेशन को अगर हम डी एफ बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पास क्या आएगा, देखिए एक्स का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा, वाई जेड स्क्वायर। उसके बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x लैम्डा इक्वल टू 0, बाकी सब कॉन्स्टेंट है ना। तो इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब करेंगे डी एफ बाई डी ए डी वाई, इसको वाई से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 400 एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 2y लैम्डा इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 3 दे देंगे। और फिर यहाँ पास करेंगे df by dz करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा, ये जो 2 है ये स्क्वायर में है तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, z के स्क्वायर में है तो यहाँ पास 800, 2 इंटू 400 क्या हो जाएगा, 800 एक्स वाई जेड प्लस, फिर यहाँ पास करेंगे तो 2z लैम्डा ये आएगा इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 4 दे देंगे। फिर यहाँ पास अब हम लोगों को ये सारे इक्वेशन को एक दूसरे से इक्वेट करने हैं, तो हम लोग इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो इसमें कुछ कुछ कटना भी चाहिए जो इक्वेट हो। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वाई का, इसमें करेंगे एक्स का, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा है ना। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाई इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में वाई को मल्टीप्लाई करो और फिर एंड एक्स इन इक्वेशन थ्री, देन इक्वेट, फिर इसके बाद इक्वेट कर दो। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो 400 ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई का मल्टीप्लाई हुआ तो जेड स्क्वायर प्लस 2xy लैम्डा ये हो गया इक्वल टू। अब इसको लिखेंगे, इसमें क्या है एक्स का मल्टीप्लीकेशन है तो ये हो जाएगा 400 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy लैम्डा। इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ये और ये कैंसिल हो गया है ना, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। तो बचे क्या, यहाँ पास 400 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 400 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, 400 जेड स्क्वायर और 400 जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, वाई इक्वल टू एक्स हो गया है ना। अब इसको हम लोग इक्वेशन 5 दे देंगे। यहाँ तक इक्वेशन 5 होने के बाद अब इसको यहाँ पास आगे सॉल्व करेंगे, ये दो इक्वेशन को 3 और 4 इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे फिर देखते हैं क्या आता है। तो इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, 2y लैम्डा है, इसमें 2z लैम्डा है, इसमें z का मल्टीप्लीकेशन करो, इसमें y का मल्टीप्लीकेशन करो। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई z इन इक्वेशन 3 एंड y इन इक्वेशन 4, ऐसे करेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, देखिए 2y लैम्डा है और यहाँ क्या है 2z लैम्डा है, तो यहाँ पास 2yz लैम्डा हो जाएगा, ये भी 2zy लैम्डा हो जाएगा, सेम हो जाएगा है ना। तो यहाँ पास इक्वेशन 4 और देन इक्वेट लिख देंगे, देन जस्ट वी हैव टू इक्वेट इट।
So the following equation will become like this: 400 x and then y z cube. It will become like this, and then plus 2 y z lambda, and here will be 800 x y square z and plus 2 y z lambda. So now we can cancel this part and this part, and the further equation will be 400 x y z cube equal to 800 x y square z. So 400 and 800 will be divided, then it will become, and this x x can be get cancelled. So what will be left here? So yahan pas kya bachega? Ye bachega z square equal to y. Aise bachega z square equal to ye 2y bachega, kyunki 4 ko 800 se divide bhi karenge to yahan 2y bach raha hai, hai na? Ye 2y hua. Isko agar hum aage further simplify kare, if is second way mein agar method mein likhna chahe, ye 2y bacha. Ab isko karenge to, और हाँ ये वाई स्क्वायर है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा. यहाँ पास क्या बचेगा अगर वाई लिखेंगे तो? जेड बाय रूट टू बचेगा. ऐसे देखिए, ये जेड जेड स्क्वायर इक्वल टू टू वाई स्क्वायर है ना, तो अगर हम लोग इसको वाई के टर्म में लगेंगे तो जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अगर स्क्वायर हटाना चाहें तो ये तो हट जाएगा, टू का स्क्वायर हटेंगे तो रूट टू हो जाएगा. तो जेड अपॉन रूट टू इक्वल टू वाई, ऐसा बना सकते हैं हम लोग इस पार्ट को. ये हो गया इक्वेशन सिक्स. इक्वेशन सिक्स करके फिर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फाइव एंड सिक्स. फ्रॉम इक्वेशन फाइव एंड सिक्स, और फाइव एंड सिक्स से हम लोगों को एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वाई के बराबर है और वाई की वैल्यू क्या है, जेड बाई टू है ना, तो जेड बाई रूट टू, सॉरी जेड बाई रूट टू है, तो यहाँ जेड बाई रूट टू लिखेंगे विच इज इक्वल टू के, ऐसा लिखेंगे. तो उस हिसाब से एक्स की वैल्यू क्या हो गई, के हो गई, वाई की वैल्यू क्या हो गई, के हो गई, जेड की वैल्यू क्या हो गई, के रूट टू हो गई. जेड की वैल्यू ये जो रूट टू उधर जाएगा तो जेड की वैल्यू के रूट टू हो गई. फिर अगर हम लोग इसको इक्वेशन वन में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन वन, या फिर के की वैल्यू इक्वेशन वन में डालेंगे तो इक्वेशन वन क्या है, ये है हमारा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस के रूट टू का होल स्क्वायर, ये आएगा है ना, इक्वल टू वन. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो, ये रूट टू जो है ये टू बन जाएगा है ना, स्क्वायर जाएगा तो, और ये के स्क्वायर हो जाएगा, तो टू के स्क्वायर प्लस वन ये कितना हो गया, फोर के स्क्वायर कितना हो गया, इक्वल टू वन. तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाय टू हो जाएगी, क्योंकि ये वन बाय फोर गया और स्क्वायर हटा तो वन बाय टू हो गया अपने आप, है ना, के की वैल्यू वन बाय टू हो गई. इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, ये फोर है, वन बाय फोर होगा, तो स्क्वायर अगर हटेगा तो नॉर्मल के की वैल्यू वन बाय टू हो जाएगी, रूट हट गया तो. तो उस हिसाब से एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें, वन बाई टू, वाई की वैल्यू वन बाई टू, और जेड की वैल्यू हो जाएगी, जेड की वैल्यू क्या दी है, के बाय रूट टू है ना, तो ये वन बाई टू इंटू रूट टू ऐसा हो जाएगा. अगर इसको हम लोग ठीक से प्रॉपर वो करें तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू ऐसा हो जाएगा. टू को हम लोग रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं. ये क्या आ गया यहाँ पास, इसकी वैल्यू आ गई, ये एक रूट टू एक रूट टू कट जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा वन बाई रूट टू, इतना आ गया. अब हम लोग को एक्स और वाई और जेड की वैल्यू पता चल गई. और अगर हम लोग टेम्परेचर निकाले, जैसे पूछा है फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द सरफेस, तो टी निकालने के लिए क्या दिया है, 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर ये दिया है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 400 वन बाई टू, फिर वाई की वैल्यू भी वन बाई टू, और जेड की वैल्यू क्या दी हुई है, वन बाय रूट टू, तो वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर. यहाँ पास क्या आ जाएगा, 50 यूनिट. टेम्परेचर की कोई यूनिट नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहाँ दिए कोई यूनिट, तो इसको सिर्फ 50 यूनिट लिख देंगे. अगर इसको कैलकुलेटर कर सकते हैं या खुद से भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा. ये था हमारा आंसर, थैंक यू, देख सकते हैं.